सूबे की उपराजधानी दुमका जिले के सरयाहाट थाना क्षेत्र के असवारी गांव में डायन का आरोप लगाकर चार लोगों के साथ मारपीट, मलमूत्र पिलाने और गर्म लोहे से पूरे शरीर में दागने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को असवारी गांव के रसी मुर्मू 55, सोनमुनी टुडुप 47, श्रीलाल मुर्मू 40 एवं कोलो टुडुप 45 के साथ गांव के ही लोगों ने डायन का आरोप लगाते हुए जमकर मारपीट की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी को बातल के जरिए जबरन मलमूत्र पिलाया गया। इतने में भी उन लोगों का मन नहीं पसीजा तो लोहा गर्म कर दो लोगों के शरीर पर बेरहमी से दागना शुरू कर दिया। रविवार को जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो थाना प्रभारी विनय कुमार पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे एवं सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरयाहाट में भर्ती कराया, जहां से इलाज के बाद दो की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार ने बताया कि गांव के ही ज्योतिनंद मुर्मू ने बैठक कर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। उसके बाद मुनि सोरेन, लखीराम मुर्मू, सुनील मुर्मू, उमेश मुर्मू, मंगल मुर्मू सहित कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर पीड़ित महिला के लिखित बयान पर सरयाहाट थाना में 6 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में पुलिस निरीक्षक नवल किशोर सिंह ने बताया कि 24 सितंबर को अवसारी गांव से 3 महिला एवं 1 पुरुष के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। अनुसंधान के क्रम में प्रथम दृष्टया मारपीट, मैला पिलाने एवं गर्म एवं लोहे के रड से दागने का मामला सामने आया है। मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरयाहाट थाना में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 3/4 दर्ज कर नामजद सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। की गई है, इसका इलाज सरयाहाट हॉस्पिटल में कल कराया गया, जिसमें से 2 को रिफर कर दिया गया है। वहाँ की महिला कोलो टुडू, पति का नाम है श्रीलाल मुर्मू, उसके लिखित आवेदन के आधार पर सरयाहाट थाना कांड संख्या 71/22 दर्ज किया गया है। कांड अनुसंधान के क्रम में सभी 6 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीछे की घटना के पीछे की वजह जो अभियुक्तगण है उन लोगों का आरोप है कि इन लोगों के चलते हमारे घर का बच्चा बीमार है, इस तरह का अनर्गल आरोप लगाया गया था और उसी के चलते यह मारपीट की घटना की गई। अभी नॉर्मल है, सबों को जो भी 6 अभियुक्त हैं गिरफ्तार कर लिया गया है और गाँव का स्थिति नॉर्मल है। फिर भी थाना से गश्ती पार्टी बराबर निगरानी रखे हुए हैं और बराबर वहाँ पर विजिट कर रही है जी। अब बाकी जो एडमिट है उन लोगों की क्या स्थिति है? उन लोगों को बेहतर इलाज हेतु देवघर भेजा गया है सरयाहाट से और उन लोगों का ये इलाज देवघर में चल रहा है जी। मेला पिलाने की का आरोप और रड से, गर्म रड से दागने का आरोप लगाया गया है। प्रथम दृष्टया यह घटना तो सही पाया गया है, फिर भी इसमें और अनुसंधान की जा रही है। अनुसंधान के क्रम में और बातें आपको पता चल। धाराएं क्या क्या लगी है सर? जिस हर समुचित जो है इसमें एक तो डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम है 3/4 और उसके साथ साथ मारपीट की।